हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गनियन फाइव फैमिली व्लॉग्स एंड फ्रेंड्स। आज के व्लॉग को आपने पूरा देखना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ बच्चों को लेके फैमिली पार्क में। नाश्ता वगैरह कर लिया था, घर के काम वगैरह खत्म किए और विंटर वेकेशन को फुल एंजॉय करने के लिए, मेमोरेबल बनाने के लिए हम लोग आ गए हैं फैमिली पार्क में। बच्चे भी साथ हैं। आज अम्मी बता रही थी सुबह सुबह कि लाहौर के जू में आ गए 4 एलिफेंट्स, लेकिन अभी घर पे अवेलेबल नहीं था तो हमारा जू का तो प्लान बन नहीं सका। बच्चे लेके मैं आ गई हूँ फैमिली पार्क में। वो रही हैं तीनों लड़कियाँ, फुटबॉल भी लेकर आई हुई हैं। लंच हमने भी नहीं किया था, लंच वापस घर जाके करेंगे। अम्मी से भी मैंने कहा था मेरे साथ आ जाएं, लेकिन अम्मी नहीं आई हैं। तो अभी मैं आई हूँ बच्चों के साथ और हम यहाँ जो जो मौज मस्ती करेंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वाले पार्क में ये देखें, ये बहुत खूबसूरत ट्रैक बना हुआ है पूरा, और आज मैं देखती हूँ इसके कितने चक्कर लगा पाती हूँ। क्या प्लानिंग चल रही है बच्चों? अच्छा, चीज़ कब लेके आनी है? आप लोग पैसे गिरा दोगे खेल कूद के चक्र में, पहले जाके चीज ले आओ। चलो, ओके। हिबासे नहीं हुई, हिबासे नहीं हुई। अगेन पापा की बारी। या अल्लाह खैर। वाह वाह वाह। ओए होए, ओए होए। प्रोग्राम तो वड़ गया। ओए होए, गिर गई हिबा। फातमे किस खेल पे तुमने बच्चों को लगा दिया? ये वाला नहीं खेलो, देखो हिबा गिरते गिरते बची है। ये वाला नहीं फातमे, ये वाला नहीं, फुटबॉल लेकर आयो, फुटबॉल से खेलो। और ये देखिए फ्रेंड्स, हिबा ना खाती है ना पीती है, इतनी वीक है और अब थक के बैठ गई है। थक गई बहुत जल्दी, थक गई अब तो। मैं भी चीज ले आई फ्रेंड्स, सिबा फातमा ईशा गई है चीज़ लेने। देखे वो चीज़ लेकर क्या क्या चीज़ लेकर आती है, मेरे लिए कुछ लाती है या नहीं लाती है, और मुझे ये अपनी चीज़ों का चौकीदार बना के चले गई हैं। ये और ये फुटबॉल वगैरह अपनी चीज़ें मुझे देख के चले गई हैं, और सामने शॉप पे वैसे तो जल्दी से आ जाएंगी। और फ्रेंड्स, मुझे देख के इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, पार्क के अंदर छोटे छोटे बच्चे तो खेल ही रहे, प्लस बड़ी बड़ी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा खेल रही हैं, क्रिकेट वगैरह खेल रही हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। अच्छा, सामने से आ गए हैं बच्चे, क्या क्या लेकर आए? गेट फॉर मुझे टेस्ट करवाएं, आराम से शराफत से टेस्ट करवा दें। एक मिनट, छोटी सी बाटली, छोटी सी। कमाल है मैम, गलती हो गई, मुझे भी पैसे लेके आने चाहिए थे, मुझे अपनी आइसक्रीम मंगवा के खानी चाहिए थी, बच्चों से मांग मांग के खानी पड़ेगी। शेक बैठो दे दें। थोड़ी सी बड़ी ले लो। फ्रेंड्स, बच्चे तो खा रहे हैं आइसक्रीम और मैं जल्दी जल्दी यहाँ के वॉकिंग ट्रैक के 2-3 चक्कर लगा लूँ, फिर चलते हैं घर। लंच पे अम्मी हमारा वेट कर रही होंगी। चलिए, आपने एक पार्ट में जवाब देनी है। बाय बाय पार्क, फिर आएंगे। यस, चीज और खानी है टुकड़ी। आपने फीस नहीं लेनी थी, आप भी जेट स्पोर्ट ले लेती फिर आपके और भी पैसे बच जाते। फीस आपको पता है कितनी महंगी हो गई है। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं घर और स्पीड स्पीड चलें बच्चे, हो सकते हैं अब घर चल के देखते हैं कि अम्मी। अच्छा, किस किस को लगता है अम्मी हमारा खाने में वेट कर रही होंगी, किस किस को लगता है लोगों ने खाना खा लिया होगा? ये हो गए। अच्छा फ्रेंड्स, 2:15 का टाइम है, यानी काफी ज्यादा टाइम हो गया, तो घर चल के देखते हैं कि घर वाले हमारा खाने में वेट कर रहे हैं या खाना खा चुके हैं, मतलब कि इसका मतलब हमारी इज्जत है या नहीं है। हिबा, आपको क्या लगता है खाना खा लिया होगा, हमारा वेट कर रहे होंगे? पापा तुम्हें? और ईशा तुम्हें? ओहो, ईशा को लगता है खाली होगा। मुझे हिबा को और फातिमा को लगता है कि हमारा वेट कर होंगे, तो हम जल्दी जल्दी चल के देखते हैं कि क्या हकीकत है और क्या नहीं है। अगर हम जीते तो हम सारे मिलके चको मारेंगे, और अगर ईशा जीती तो हम सारों को ईशा मारेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अम्मी खाना खा लिया? हम नहीं, अभी नहीं खाया, तुम्हारे बगैर खा लेते। फ्रेंड्स, अभी दिल नहीं कर रहा था, अभी सारा 10 मिनट तक खाते हैं, चूल्हा वैसे मैंने बंद नहीं किया। ये ट्राउजर मैंने यहाँ पे सेट कर लिया ताकि इसकी कटिंग करके मैं अम्मी को दे दूँ कि अम्मी मुझे इसको पीको करवा दें,
क्योंकि मुझे एक लाइन सी भी मिल गई है जिसकी वजह से मुझे कटिंग करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी और अल्लाह करे सही सही सीधी सीधी कटिंग हो जाए। कैंची भी नहीं पौधी हुई है ऐसे करते हैं ऐसे रखते जाओ तो वो सीधी सीधी कटिंग हो जाएगी। तकरीबन ये कटिंग बस हो गया है अब मैं इसे कहूँगी मुझे आज इसको पिको करवा दें। एंड से भी थोड़ा नीट नहीं हुआ चलो ये पिको भी सही हो जाएगा। अब ये ना ज़्यादा मैं नीट करने के चक्कर में ज़्यादा इसको शॉर्ट कर लूँ। अभी की अम्मी कहीं लीना का लास्टिक लेने में ऐसे ही बाजार के चक्कर लगते रहते हैं वहां से आएंगे तो मैं खुद बल्कि अम्मी से कहूंगी मैं आपके साथ जल्दी हूँ तो चल के इसको पिको करवा लाते हैं। फ्रेंड्स जी मैं अपनी चाय बना ली है और मैं कर रही हूँ आज अपनी खुद की ड्राई फ्रूट पार्टी ये मैं ले आई हूँ ड्राई फ्रूट भी निकाल कर तो फ्रेंड्स चाय के साथ आज मैं एंजॉय कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स और गनी को भी बुला लेती हूँ गनी से भी पूछती हूँ गनी ने खाने तो उसको दे के आती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने अपने लिए निकाली और बाकी देती हूँ गनी को और जल्दी जल्दी चाय पी लेती हूँ उसके बाद रात के खाने की तैयारी भी करनी है और गनी से पूछना भी था मैंने क्या हुआ है बाप गणेश शाम का आलू चिकन बनना है या आलू मटर का सालन आलू मटर का सालन सही है। फ्रेंड्स मटर तो छिले हुए रखे कोई टेंशन की बात नहीं है फटाफट रात का खाना तैयार होने वाला है और हिब्बा का पता नहीं किस बात मूड ऑफ हो गया। फातिमा क्या हुआ है क्यों रोती हुई गई है के किसी ने 50 रुपीज ले लिए। फ्रेंड्स हिब्बा के पैसों में से 50 रुपीज गायब है वो बिच्ची इतनी ज़्यादा परेशान हो गई है तो अभी जरा उसको 50 रुपीज दे के काम करके आती हूँ। हिब्बा के 50 रुपीज का मसला तो हल हुआ हिब्बा जी अच्छा मैं आपको देती हूँ ये अच्छी तरह टाइट कर दिए देखें फ्रेंड्स हिब्बा ने इतना अच्छा सोल्यूशन निकाला है इसको टाइट बंद कर दिए इसको आपने किसी चीज़ से फिक्स भी किया जितना मर्जी टाइट हो तो खुल जाएगा और ये बस हिब्बा ऊपर से अंदर पैसे डालेगी और निकालेगी कभी भी नहीं पक्का ओके एक मामा के मुँह में डाल दें ये देखें मैं हिब्बा के हाथ से खा रही हूँ ऐसे नहीं बदतमीज बच्चा जाओ फिर मैं अपने हाथ से खा लेती हूँ ये लो रख दो इसको गुड गर्ल है मैं गुड गर्ल ये हरकतें करना ही चलो गंदा बच्चा मेरा 50 रुपीस का लो फातिमा के 50 घूम गए अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड्स फाइनली मेरे ड्राई फ्रूट्स जो है वो खत्म हो चुके हैं कटोरी बिल्कुल खाली हो गई है चलें खा लें हिब्बा ने बहुत माइंड किया मैंने उसके हाथ से कटोरी ली है और अम्मी अभी तक नहीं घर आई हैं ये बना के लाई है अलीना कॉफ़ी तो अब मैं पीऊँगी कॉफ़ी उसके बाद मैं भी बस खड़ी हो जाऊँगी शाम ज़्यादा होती जा रही है 5 बजने वाले हैं खाने की तैयारी भी करनी है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साल का आखिरी हफ्ता सबका कैसा कैसा गुजर रहा है और हमारी तो दुआएँ हैं कि सबके लिए आने वाला साल बहुत बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए हमें भी प्लीज़ अपनी दुआ में ज़रूर ज़रूर याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ गनी एंड फायसा फैमिली व्लॉग को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा हिब्बा कहें ज़रूर ज़रूर या थैंक यू। फ्रेंड्स कल मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में टिल देन बाय बाय।